मैं हूँ संजय रजौरा और मैं हूँ अ गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। अक्सर लोग कहते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड में बड़ी हेटरेड है, लेकिन मेरा तजुर्बा कुछ और कहता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में, खासतौर पर फेसबुक पे, इतना प्यार और इतनी ममता है कि दिल में चीनी चीनी भर जाती है। बहुत लोगों को डायबिटीज भी हो सकता है इसके चक्कर। Oh, no. अब आप ही देखो, आप बेशक चाहे खुद कितने भी बदसूरत हों, कितने भी नालायक और निकम्मे हों, लेकिन आपने अपनी बीवी के साथ अपनी फोटो लगा दी वहाँ पे, तो आपके चाहने वाले नीचे जरूर लिख देंगे यू टू लुक गुड टुगेदर। मतलब आपकी अकेले की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक आप साथ में नहीं होगे। भाई ये तो प्यार ही हुआ ना कि यू टू लुक गुड टुगेदर। आप अकेले चाहे अल्प्स की पहाड़ियों में खड़े होके बहुत शानदार पोज बना के अपना चित्र लगा लो एक फेसबुक के ऊपर, मजा ले कोई लाइक कर दे, लेकिन अगर आप यमुना के नाले के बगल में अपनी बीवी के साथ खड़े हो तो नीचे जरूर लिख देगा ओह परफेक्ट कपल मेड फॉर ईच अदर। अब ये प्यार नहीं है तो और क्या है। मेरे को ये चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आई हैं क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा कम है, मुझे भी गुस्सा आता था इन चीज़ों पे। जैसे आजकल यंग इंडियंस जब लव मैरिजेस करते हैं एक दूसरे के पैकेजेस देख के, तो सबके सब आप देखेंगे हनीमून मनाने के लिए या तो गोवा जाते हैं या फिर पटाया जाते हैं, और उसके बाद वो फेसबुक पे एक एल्बम लगाते हैं हनीमून पार्ट वन, जिसमें 198 फोटोग्राफ्स होती हैं। आपको वो फोटोग्राफ एक एक गौर से देखनी चाहिए, किसी ने इतने प्यार से लगाई है यार अपने शादी हनीमून की फ़ोटो। वो पटाया बीच का फोटोग्राफ है। देखो मेरे को दिक्कत है, ज़रूरी नहीं है किसी और को भी दिक्कत है, कि तो हिंदुस्तान के मर्द को पता नहीं होता है कि बीच वेयर क्या होता है, तो वो हमेशा अंडरवेयर पहन के खड़ा होता है, वो भी जिसमें सामने विंडो होती है। और हम सब जानते हैं जब ये अंडरवेयर हम नए खरीदते हैं तो ये थाईस पे से ना टैट होते हैं थोड़े से, और 6 महीने पहनने के बाद ये ढीले हो जाते हैं। वो काले चश्मे लगा के वो विंडो वाला अंडरवेयर पहन के अपनी बीवी को जकड़ के पीछे से ऐसे खड़ा हुआ जैसे कुश्ती में जीत के लेके आया, और बीवी भी शर्मा रही है, उसकी आंखों में लाल लाल डोरे आ रहे हैं, जिनसे वो कहना चाह रही है दीज डेज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इट बट आई डोंट वांट यू टू थिंक दैट वे बिकॉज मेरे वैल्यूज ट्रेडिशनल है, मैं नहीं चाहती कि आपको पता चले कि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इट। अब बीच पे है मॉडर्न लड़की है तो 2-पीस बिकनी पहन के खड़ी हुई है वहाँ पे, लेकिन साथ में दोनों हाथों में चूड़ा, मेहंदी, मंगलसूत्र, सब कुछ लाके, यहाँ टांग तक मेहंदी लगी हुई थी। इसको कहते हैं अ गुड मिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। जब मैंने ये एल्बम देखी यहाँ पे फेसबुक पे हनीमून पार्ट वन, जिसमें 198 फोटोग्राफ्स थे, उसमें नीचे लिखा हुआ था मी एंड माह जानू एंट इट क्यूट। भाई मैं जाहिल आदमी, मेरे को पहला ख्याल आया कि ये एंट इट क्यूट कैसे है, ये तो रेशमा की जवानी जो बी ग्रेड फिल्म है उसका पोस्टर लग रहा है, लेकिन फिर मैंने लोगों का प्यार देखा नीचे। ओहो क्या प्यार दिया लोगों ने, ओ सो क्यूट, ओ परफेक्ट कपल, ओ गॉड डज एग्जिस्ट। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे ख्याल आती गलत हो। तो आप बेशक कितने बद्दे हो सकते हैं, बद्दे लोगों को भी रहने का हक है, तो आप फेसबुक पे अपने काले चश्मे के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी लगा दोगे ना अगर, तो नीचे आपका चमचा जरूर लिख देगा बॉलीवुड स्टफ सर। 4-5 लड़कियां एक ही ऑफिस में साथ में काम करती हैं, एक साथ घूमती हैं, एक साथ चाय पीती हैं, एक साथ वॉशरूम जाती हैं, घर पे पहुंच के पता नहीं रात को 11 बजे के बाद उनको क्या हो जाता है। एक लिखती है आई एम मिसिंग माई बेबीज, दूसरी लिखती है आई एम मिसिंग माई क्यूटीज, तीसरी लिखती है माई गर्ल्स आर ऑसम। अब मेरे से आदमी सोचता है भाई सो जाओ, रात की 11 बज रहे हैं, सुबह ऑफिस में जाके अपना प्रेम बांट लेना फिर से, लेकिन वो तो अंताक्षरी खेलनी शुरू कर देती है रात को फेसबुक पे। एक लिखती है हम तो गए बाजार में लेने को आलू, आलू आलू कुछ ना मिला, हम तो लाए भालू। दूसरी लासे बोलती है लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तीसरी राह से बोलती है रे मामा ये फेसबुक पर चल रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में कितने भी निकम्मे हो सकते हो, कितने भी गधे, कितने भी भद्दे, बदसूरत, नालायक किस्म के हो सकते हो, फेसबुक इज़ द प्लेस जहाँ पे आप पोएट भी हो सकते हो, राइटर भी हो सकते हो, फोटोग्राफर भी हो सकते हो, फिलोसोफर भी हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, क्योंकि आपको नीचे बहुत सारे लाइक मिलेंगे। अगर आपका दादा भी मर जाता है ना, आप लिख देते हो आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर यस्टरडे, तो उस पर भी लाइक आ जाते हैं। इतना प्यार, इनमें लोगों की नज़दीकियाँ बड़ी बढ़ रही हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, लोग छोटे छोटे डिटेल डालते हैं तो उनके बारे में जानने को मिलता है। माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इसमें पूरी और आलू रखे हैं, कोई लिख देता है इट्स पॉटी टाइम, उस पर भी लोग लाइक आ जाती हैं। आई रिजेक्ट द अजम्पशन कि ऑनलाइन से हेट बढ़ता है, अब्यूज़ बढ़ता है, मैं तो मानता हूँ कि ऑनलाइन से प्यार बढ़ रहा है। देखो सब लोग कितने करीब आ रहे हैं।